नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ नारियल की चटनी। तो आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा नारियल की चटनी। नारियल की चटनी बनाने के लिए हम लिए हैं एक नारियल। इस तरह से हम काट लिए हैं इसे लंबे शेप में कि पीसने में आसानी रहेगा। ये 100 ग्राम मूंगफली है, इसे हम रोस्ट कर लिए हैं थोड़ा सा तेल डालकर, और इसे हम अच्छा से रोस्ट किए हैं और इसे आधा घंटा पहले हम भिगो दिए हैं। और इसी तरीके से हम चना दाल को भी रोस्ट करके और भिगो दिए हैं आधा घंटा पहले। तो 50 ग्राम हम चना दाल लिए हैं और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और एक छोटा चम्मच उड़द की दाल और एक चम्मच सरसों और 4-5 हम लिए हैं लाल मिर्च, जितना आप तीखा पसंद करते हो उतना ही लें, और 3-4 कलियां लहसुन की और 3-4 हरा मिर्च, 1 इंच का अदरक। और चटनी में तड़का लगाने के लिए हमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल चाहिए। ये देखिए हम एक जार ले लिए हैं दोस्तों, और इस नारियल को हम डाल देंगे जार में। और मूंगफली को हम पानी के साथ ही डालेंगे जार में, और चना दाल भी हम डाल लेंगे इसी में, और अदरक और लहसुन लिए थे हम जो मिर्च हरा वो भी डाल लेंगे। और इसमें हम 1/4 गिलास पानी डाल ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसे मोटा पतला कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हम चटनी को दरदरा पीसे हैं, ज्यादा बारीक नहीं किए हैं हम, आप जैसा पसंद करते हो वैसा पीस सकते हैं। चटनी को हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब दोस्तों हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, मैं 2 छोटे चम्मच नमक डाली हूँ इसमें, और मिक्स कर लेंगे। अब हम दोस्तों गैस को ऑन करेंगे, कोई सा भी फ्राई पैन चढ़ा देंगे, और फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम सरसों तेल डाल लेंगे। मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाली हूँ दोस्तों, आप जितना चटनी बना रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है दोस्तों, तो इसमें हम सरसों डाल लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों है, सरसों को हल्का सा तड़कने देंगे। सरसों हमारा तड़क गया है, इसमें हम लाल मिर्च डाल लेंगे और कड़ी पत्ता भी डाल लेंगे। सावधानी से कड़ी पत्ता डालें क्योंकि ऊपर खटकता है ये, और इसे फ्राई कर लेना है हमें। ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है, तो हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसी में हम डालेंगे ये उड़द दाल 1 छोटा चम्मच, और इसे भी हल्का सा भून लेंगे इसी में। और हम जो तड़का तैयार किए हैं दोस्तों इसे हम सावधानी से डालेंगे चटनी में। ये देखिए मैं डाल दे रही हूँ, और मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारा नारियल का चटनी बन के बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। तो इसे आप इडली, डोसा, उत्तपम, ढोकला के साथ इसका मजा ले सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों, तो आप इसे जरूर बनाएं क्योंकि स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें चना दाल है, मूंगफली दाल है। और इस चटनी को दोस्तों आप फ्रिज में रख के 10 दिन से 12 दिन चला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई इसे हम पकाए नहीं है, इसे हम कच्चा ही नारियल को पीसे हैं, तो ये खराब नहीं होगा। इसे आप किसी भी कंटेनर में भर के और रख ले फ्रिज में, और इसे 10 दिन तक आप आराम से खाएं। ये देखिए दोस्तों हमारा नारियल का चटनी बन के बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही टेस्टी नारियल का चटनी बना है, और आप भी इसे जरूर एक बार ट्राई करें। और इसे आप इडली, डोसा और उत्तपम किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप इसे जरूर एक बार ट्राई करें, और पसंद आने पर दोस्तों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे जरूर क्लिक करें। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का। अब मिलते हैं हम आपसे नई रेसिपी के साथ।